नमस्कार, मैं हूं समीर परवेज और आप देख रहे हैं अपना चैनल फन टीवी। चलिए डालते हैं खबरों पर नजर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की। देर शाम को श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर रखी झांकियों के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। जन्माष्टमी के अवसर पर नगर के सभी मंदिरों को झालर, लाइट आदि से सजाया गया था। मंदिरों के बाहर ही लोगों ने पंडाल लगाकर भगवान की मूर्तियों को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए रखा। श्रद्धालु एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाकर झांकियों के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। काली मंदिर पर काली माता की झांकी की धूम रही, तो वहीं शिव ढोकलिया मंदिर पर राधा कृष्ण के नृत्य वाली झांकी ने श्रद्धालुओं को भजनों पर झूमने पर मजबूर कर दिया। ठाकुर मंदिर पर बाबा बर्फानी के बर्फ से बने शिवलिंग की धूम रही, तो धर्मशाला मंदिर में श्रद्धालु कृष्ण भगवान के पालने को झुलाते हुए नजर आए। अष्टमी एवं नवमी पर सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए प्रशासन द्वारा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, तो वहीं ठाकुर मंदिर के महंत बाबा भगवत दास ने दो तिथियों में जन्माष्टमी मनाए जाने को लेकर उसके बारे में बताया। वैष्णव मत को मानने वालों के लिए आज जन्माष्टमी है 24 तारीख की, और एक स्मार्त मत होता है, स्मार्त मत वालों के लिए कल होता है, यानी 23 तारीख को जो थी वो स्मार्त मत वालों के लिए थी। और वैष्णव मत में जो है जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि को माना जाता है, तो आज जो 24 तारीख को है वो सूर्योदय अष्टमी तिथि में हुआ है, और कल जो सूर्योदय था वो सप्तमी तिथि में था, तो हम लोग अष्टमी तिथि को मानते हैं। वैष्णव परंपरा से हम लोग आते हैं, तो जो भी समस्त भारत में कहीं भी जो वैष्णव मतानुयायी होते हैं वो उदय तिथि को ही मानते हैं। आज उदय तिथि है, अष्टमी तिथि में ही सूर्योदय हुआ, इसीलिए हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज मनाते हैं। और वह नक्षत्र जो भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म समय था, रोहिणी नक्षत्र, वो भी आज ही है, कल वो नक्षत्र भी नहीं था। ये अलग अलग हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे मतानुयायी हैं कि जो अलग अलग रूप से उसको माना करते हैं, और इसी उपलक्ष्य में जो है हम क्षेत्रवासी समस्त जनता को प्रार्थना करते हैं कि भगवान के प्रति अपना अनुराग रखें, और समस्त क्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से जन्माष्टमी की विशेष विशेष शुभकामनाएं। बाबू जी, इस बार दो दिन में जन्माष्टमी मनाई गई है, क्या कारण रहा? जसपुर की ताजा खबरें देखने के लिए YouTube पर फन टीवी जसपुर लॉगिन करें, सब्सक्राइब करें।